मेरे को सारे ट्राई कराओ एक एक करके। पहनो इतनी चाबी चाबी दे दो उस पे पहनो उस पे। Follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक ही होंगे। और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज बस आजकल सफाई 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 चल रही है हमारी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। जैसे कि धीरे धीरे अब सर्दियों के कपड़े भी हमें वॉश करके फिर उन्हें सुखाना भी है, धूप भी दिखानी है, और कियारा के भी सारे जो टॉयज वगैरह है वो भी सॉफ्ट टॉयज जो हैं वो भी ख़राब हो गए हैं। तो सोच रहे हैं कि उन्हें भी कियारा नंगे पैर क्यों आए आप? जाओ चप्पल पहन के आओ, जाओ वो देख। और यहाँ आप देख ही रहे होंगे, ये देखिए सारी घास कट गई है। तो होटल की भी सफाई वगैरह चल रही है आजकल, मतलब काम तो वहाँ पे चल ही रहा था। दूसरा कहाँ है दूसरा बोरा? तो होटल का भी चल ही रहा है, तो मे भी शायद एक दो महीने के अंदर अंदर खुल जाए, कुछ पता नहीं है, बट कर रहे हैं वो धीरे धीरे सारा कुछ। पहनो बाबू ये ले। इस वाले पे पहनो। पहनो ये देख, चाबी चाबी दे दो उस पे, पहनो उस पे। तो बस आजकल हर जगह की सफाई सफाई। आज हमने सोचा है कि मैं दिखाती हूँ आपको, आप सोचोगे। ये देखिए ये हमारे पीछे क्या दिख रहा है। एक्चुअली हमने सोचा था कि आज सारे मतलब फुटवेयर हैं उनको वॉश करेंगे और विंटर के निकालेंगे और जो गर्मियों के हैं उन्हें संभाल देंगे। फिर निकाले निकाले तो कियारा के इतने ज़्यादा हो गए, तो अब हमने फिर डिसाइड किया कि आज सिर्फ कियारा के ही धुलेंगे और उसके बाद फिर जो गर्मियों वाले उन्हें संभाल देंगे और जो विंटर वाले हैं उन्हें निकाल देंगे। ये देखो ये कह रही है मेरे को सारे ट्राई कराओ एक एक करके। कियारा कियारा को फुटवेयर का बहुत ज़्यादा शौक है। जैसे बच्चे मार्केट में जाते हैं तो वो करते हैं ना जिद, मतलब खाने की चीज़ों की या किसी चीज़ की, ये इसी तरह से या तो जूतों की जिद करेगी या फिर अगर इसे बुक्स दिख गए या बुक्स वगैरह, तो ये है कि बुक्स की शॉप पे तो हम कम ही जाते, लेकिन डॉक्टर के पास देखेगी, कहीं पर भी हमें मतलब देखेगी सिक्योरिटी वालों के पास, तो वो वहीं जिद करने लगती है कि मुझे बुक्स दो। पता नहीं क्या शौक है इसके। अरे इसी तरह से ये सारे जो मतलब ये फुटवेयर हैं तो आधे से ज़्यादा कियारा के खुद के पसंद किए हैं, जो उसने खुद पसंद किए हैं। जैसे कि ये वाले हैं ये कियारा ने अपनी पसंद के लिए हैं, ये भी, अरे ये वो पहन नहीं पाती, उसे पहनना आता ही नहीं है, ये भी उसने अपने पसंद के लिए थे। एक मिनट कियारा, ये उसने अपने पसंद के लिए थे। और ये वाले भी उसने अपने पसंद के लिए थे, मतलब उठा देती, उसे पता है मेरा साइज क्या है, उठाएगी। तो ये तो आज बस यही काम चलेगा हमारा, फिर कल मेरे और राज के, क्योंकि मेरे और राज के तो कमी है हमारे पास, ऐसी होंगी 3-4 जोड़ियां होंगी हमारे पास, तो कल मेरे और राज के हो जाएंगे। आज सिर्फ कियारा के ही धुलेंगे हम, और परसों या नरसों फिर हम सर्दियों के कपड़े निकाल लेंगे, क्योंकि मौसम जैसे आज भी है तो ठंड ठंडा तो नहीं है, लेकिन वो मतलब वेदर थोड़ा सा ना चेंज सा लग रहा है, जैसे क्लाउडी सा हो रखा है, तो मे बी बारिश होगी। अगर बारिश होगी तो फिर तो मतलब कड़ाके की ठंड पड़ जाएगी यहाँ, तो इसलिए फिर अभी धूप भी नहीं निकलती यहाँ ठंड में, इसलिए फिर सोच रहे हैं कि अभी सारा कुछ सेट कर दे स्टार्टिंग से ही, ताकि आगे एकदम से लोड ना पड़े हम पे।
करूंगी अपना वेट चेक। ये देखिए 49, तो वेट हो गया है मेरा 49 और मुझे बस 50 चाहिए। इससे ज़्यादा हो जाता तो अच्छी बात है, बट कम से कम मुझे 50 का टारगेट है मेरा कि मुझे 50 करना ही करना है, क्योंकि 50 होने के बाद आफ्टर डिलीवरी अगर 5 किलो भी घट जाएगा, 45 भी ठीक ही रहता है, उससे नीचे नहीं होना चाहिए, बट लगता है मुझे हो जाएगा मेरा 50, क्योंकि 49 कुछ तो है, अभी खाना खाया तो इस वजह से भी ज़्यादा लग रहा है, मतलब 500 ग्राम खाना होगा शायद तो 50 हो जाएगा मेरा इस बार लग रहा है, क्योंकि यार के टाइम पे मेरा 50 भी नहीं पहुंचा था और मैं हमेशा चेक करती हूँ कई, मतलब आजकल ना एक है यहाँ पे सिक्योरिटी वाली, तो वो मेरे को पूछती रहती है कि पतले होने का इलाज बताओ कुछ ये सो, जबकि वो मतलब एक होता है ना ऐसे चब्बी सा लुक जो होता है वो नहीं है उसका, वो उसकी हाइट भी ठीक है, वो मतलब थोड़ी सी उस तरीके से मतलब ऐसे फूली फूली सी नहीं लगती, ठीक लगती है, बट उसे वेट उसका थोड़ा ज़्यादा निकल जाता। कितना है उसका? 59 है उसका, तो वो कहती है कि मुझे कम करना है कम करना है, तो फिर कल पूछती कि इंडिया में होगा कुछ ऐसा कि इंडिया के लोग क्या करते हैं वेट कम करने के लिए, तो मैंने कहा इंडिया के लोग खुद मोटापे से परेशान हैं, वो क्या करेंगे। तो मैं जैसे देखती ना कई लोग मतलब इसलिए वेट चेक करते हैं कि वो मतलब ऐसे क्रॉस फिंगर करते हैं कि यार मेरा वेट कम निकले, और मैं कहती हूँ जब भी मैं वेट वो करती हूँ ना तो मेरा मन करता है कि यार बस प्लीज़ ज़्यादा निकल जाए ज़्यादा निकल जाए, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरा वेट ज़्यादा निकलता है। तो वो फिर यही कह रही थी, कहती तू तो प्रेग्नेंट है तब भी तू अभी 50 किलो की नहीं हुई है, मैं तो अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है और मैं 59 की हो चुकी हूँ, लेकिन उसको देख के लगता नहीं। अब मेरा ऐसा है कि अगर अभी तो खैर मतलब प्रेग्नेंट हूँ तो इस वजह से भी, लेकिन अगर नॉर्मली मेरा वज़न 47-48 होता है तो मैं फिर बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब मोटी सी लगने लगती हूँ, क्योंकि हाइट कम है ना मेरी, तो इस वजह से उसकी हाइट अच्छी है तो वो 59 में फिर भी उसको देख के लगता नहीं है, बट वो बस इसी वजह से परेशान है कि अभी शादी भी नहीं हुई है तो इसलिए, हालांकि उसकी अभी रिसेंटली इंगेजमेंट हुई है तो इसलिए, तो देखते हैं एंड तक कितना पहुंचता है मेरा वज़न। ज़्यादा से ज़्यादा चाहती हूँ मैं कि मेरा वज़न बढ़े। मैं तो कई बार जैसे वॉक करने के लिए बोलती, तो मैं कई बार सोचती हूँ कि अगर मैं ज़्यादा वॉक करूँगी तो कहीं मेरा वज़न घट ना जाए, लेकिन वॉक करना भी ज़रूरी है तो देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा था ना कि यारो को बुक्स का बहुत शौक है, तो अभी जैसे हम सोफे के अंदर से सारे शूज़ वगैरह निकाल रहे थे विंटर के, उसने अपने शूज़ पहने क्योंकि ये वाले विंटर के, तो उसने काफ़ी टाइम बाद देखी और वहाँ उसे बुक्स भी मिल गई, आराम से बाहर आई और अपनी बुक्स पे लग गई। बहुत शौक है उसे बुक्स का, पेन का, शूज़ का, है ना क्यारा? I walk to you so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way. Time that we get by with money we don't know. Pockets empty but hearts are full anyway. Hey. उनके बर्तन धुल दिए हैं और आज खाना हमने लेट ही खाया था, बस वही कह रहे हैं ना थोड़ा सा सफाई वगैरह कर रहे थे इसी चीज़ में बिजी हो गए थे, और फिर आज हमने सोए भी नहीं। अब कियारा तो सोती है दिन में बट आज वो भी नहीं सोई, तो देखते हैं वो शायद आज जल्दी सो जाए। और यहाँ पे सफाई अभियान चल रहा है, उतने दिनों से हमने ये टमाटर के जो वो है पेड़ है निकाले नहीं थे, तो आज ही उसके फिर कर रहे हैं हम। मिर्ची भी ये सूख ही गई है ना, इन्हें भी काट दोगे? नहीं सूख गए हैं, पानी डाले थे। कहाँ आ रही इनमें हरी मिर्ची, तो आ नहीं रही, फूल तो है नहीं। क्या हुआ क्यारा, फिनिश है?
फिनिश। इतना बड़ा क्या? इधर आ जाओ आप, लगेगा आपको यहाँ पे। आ जा इधर, आ जा। हाँ हाई हो जाएगी। आ जा जा जा। उखाड़ दी मिर्ची क्यों? दवाई मैंने सूख रही है, अंदर से सूखी हो गई, नहीं होंगे अब। But I wanted you anyway. I always loved you over my head, even when you lived alone to make your parents mad. Say goodbye to your own life, turn the page, fall on my bed. I don't care if loving you. क्या रहा, गिरोगे? कियारा मुझे लगता है इसी में सोएगी। बैठे रहने दो, से ना सो जाएगी। कियारा क्या हुआ बाबू, नींद नहीं आ रही? नो तो फिर घूमी चले चलो फिर। जब बैठे रहे बैठे रहे, अभी पापा आएंगे ना फिर जाएंगे, ठीक है? आज मैं बना रही हूँ डिनर में आलू बीन्स। आलू आपको ज़्यादा दिख रहे हो क्योंकि बीन्स नीचे है, क्योंकि ये अब। और इसमें मैंने मसाला भून रही हूँ मैं। मसाला जैसे मैंने बताया था पहले भी, नॉर्मल मसाला जो होता ही है वही है। और ग्रेवी थोड़ा सा वो कर रही हूँ, बाकी अब डालूँगी मैं इसमें बीन्स। तो सब्जी मैंने मसाले में भून ली है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी को पकने के लिए। और जब बन जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। गैस का फ्लेम मैं थोड़ा कम कर लूंगी। सब्जी रेडी हो रही है और आटा मैंने गूंध लिया है, अब रोटी बनाऊंगी। और कई मेरे से पूछ भी रहते हैं मेरे व्यूवर्स जो हैं कि आप रोटी नहीं बनाते वहाँ। रोटी मैं बनाती हूँ, लेकिन मैं दिखाती इसलिए नहीं बनाती हुई क्योंकि जैसे कि आपको पता है ये इलेक्ट्रिक स्टोव है, तो इसमें मतलब
क्या बोलते हैं, फ्लेम तो जलती नहीं है, तो फिर रोटी मुझे ऊपर ही ऊपर बनाना पड़ता है और उसमें बहुत टाइम लग जाता है। और उस टाइम तो मेरे को पहले ही इतनी गर्मी लग रही होती है वहाँ पर, तो फिर मैं बोलती फटाफट से ही रोटी वगैरह बन जाए, तो इसलिए नहीं मैं दिखाती। और क्योंकि रोटी तो है भी नॉर्मल चीज़, कोई ऐसी रेसिपी तो होती नहीं कि जो मैं वीडियो में दिखाऊँ, तो इस वजह से भी नहीं दिखाती, क्योंकि फ्लेम से थोड़ा सा हो जाता है ना वो फूल जाती है। और ऐसे में तो बस अब ऐसी रोटी, पहले पहले तो बहुत गंदी लगती थी, बट अब खा रहे हैं, अब आदत पड़ गई ऐसी रोटी खाने का, तो इसलिए नहीं दिखाती। और बाकी सब्जी का भी आज आलू बीन्स बनी है, और हर दूसरे तीसरे दिन यही सब्जी होती है, क्योंकि यहाँ सब्जियों का मतलब ऑप्शन बहुत कम है। जैसे इंडिया में बहुत सारी सब्जियाँ होती है, यहाँ बहुत कम ऑप्शन होते हैं हमारे पास सब्जी बनाने के। जैसे अब पहले मैं भिंडी बनाती थी, बट अब तो भिंडी भी शायद मतलब शायद सीजन चला गया उसका, तो भिंडी भी नहीं है। बस शिमला मिर्च हो गए, मशरूम हो गए, बीन्स हो गया, गाजर अभी यही है, बाकी सर्दियों में आएगी गोभी वगैरह आएगी, बट अभी फ़िलहाल यही ऑप्शन है। और नॉनवेज मतलब इस वैसे भी मुझे पसंद नहीं है, और इस टाइम भी मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, बस थोड़ा सा महीने में एक आध बार, वैसे ज़्यादा नहीं खा पाती। तो फिर ये अभी मैं जब सब्जी बन जाएगी तो मैं दिखाऊंगी आपको किस तरह की बनी हुई है सब्जी। रेडी हो गई, और अब मैं रोटी बनाऊंगी। और मैं देख रही थी बिग बॉस क्योंकि बिग बॉस स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे आप मतलब यहाँ पे तो नहीं आता, तो फिर ऑनलाइन देखती हूँ मैं। और आज पता नहीं क्या हो गया, काफ़ी देर से मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि चल नहीं रहा था, तो मैंने यूट्यूब पे देखा, फाइनली किसी ने डाला हुआ था यूट्यूब पे, तो मैं फिर वही देख रही थी। और अब मैं रोटी बनाऊँगी। और आज के जो ब्लॉग मैंने डाला उसमें सारे कियारा को लेकर वरीड थे, तो सारे मेरे से पूछ रहे हैं कि यारा कैसी है, या मतलब काफ़ी सारे सजेशन दे रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यारा बिल्कुल ठीक है। और उसका जो वो बबल्स था जो मतलब फूला हुआ था, तो वो अब ठीक हो गया है, मतलब हल्का सा दर्द तो होगा, बट उसे उतना दर्द नहीं हुआ, क्योंकि वो दो तीन दिन बाद हुआ है, तो इसलिए दे रही हूँ बाबू रुको, तो इसलिए अब वो बिल्कुल ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सबके कमेंट आ रहे थे, आप सारे विश कर रहे थे कि हाँ कि यारा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, खोलो उसे, तो बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का एक छोटा सा व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी आपकी राय है उसे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।